सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ ख़त्म करवा दी थी और उसके अलावा हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन से एक रिलेटिव कंसेप्ट है। अब मोशन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि मोशन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, वो किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करेगा उसे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये हमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा था। तो अब इस तरीके से जब हम चीज़ें देखते हैं तो हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करती है, किसी ना किसी पे डिपेंड करती है। तो मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है, इसलिए हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसे समझिए, होता क्या है ये। अ प्लेस एंड अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी सिचुएशन या कोई भी प्लेस जहाँ से एक ऑब्जर्वर मीन्स कि उस सिचुएशन को देखने वाला और ऑब्जर्व करने वाला जो भी ऑब्जर्वेशन लेता है वो उसके अकॉर्डिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी भी फिक्स नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को अलग तरीके से देखेंगे, सामने वाला उसी चीज़ को किसी और अलग तरीके से देखेगा। अब इसका एग्जाम्पल है, एक रोड है, यहाँ पे एक कार चल रही है, कार की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है। दोनों रोड के दोनों साइड पे दो इंसान खड़े हैं, ये देखिए ये और ये। आप प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये बहुत ही ख़राब है, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक ए पर्सन है और ये आपका बी पर्सन है। अब यहाँ पे जब हम खड़े हैं, अगर ए पर्सन की आप बात करते हैं तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये राइट है और ये वाला पार्ट लेफ्ट है। वहीं ऑपोजिट जो इनके खड़ा है उनके लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो अगर ये दोनों अपने अपने वे ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखें तो लेफ्ट राइट दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, ना गलत ये है ना गलत ये है। अब ये जो कार की डायरेक्शन है वो ये इस साइड है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस पर्सन के अकॉर्डिंग हम देखें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए तो कार इसके राइट में जा रही है। अब सेकंड सिचुएशन में हम देखें इस बी पर्सन को, तो इनके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट है और ये वाला क्या है, राइट है। तो ये कार किधर है, लेफ्ट में है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग हुआ, तो इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं या किस तरीके से देख रहे हैं। अब ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन आइंस्टाइन रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, E=mc². थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको समझाऊँगी कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया था एक बस वाले एग्जांपल से। देन रेफरेंस फ्रेम्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन अ मूविंग ऑब्जर्वर एंड द फिनोमिना और द फिनोमिना अंडर ऑब्जर्वेशन। एक कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है वो और जो जिस फिनोमिना पे या जिस प्रोसेस पे उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट आता है इनर्शियल एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एग्जांपल देखिए, फर्स्ट देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब होता है इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम वेयर न्यूटन्स लॉ होल्ड्स ट्रू। जो न्यूटन का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उन्होंने बताया था कि कोई भी चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो ये होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें देखिए, दैट मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट विल स्टे एट रेस्ट और रिमेन इन अ यूनिफॉर्म मोशन। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है। देन इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सपोज अ बॉडी इज कैप्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फॉर अ पर्सन ऑन अर्थ इट इज़ एट रेस्ट। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे अलग हो सकता है। कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया या कोई भी बॉडी जिसे हमने अर्थ पर रखा, अब हम अर्थ पर रहते हैं तो हमें पता है हमारे आसपास की सारी चीज़ें किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़
ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो कोई भी चीज़ मूव नहीं करती जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो जब हमने देखा तो हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ एट रेस्ट पे थी, बट अगर कोई भी पर्सन मून से उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो वो चीज़ मोशन में नज़र आएगी, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती है, वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं है। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, एक ही सिचुएशन थी बट दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व किया गया। सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल का मतलब होता है विच इज़ एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू द एज्यूम इनर्शियल फ्रेम। जो हम इनर्शियल फ्रेम को ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे जब हम एज्यूम करते हैं उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें न्यूटन का जो लॉ है वो होल्ड नहीं करता। सो इन द अबव इक्वेशन, अब भी जो मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे रखा तो के हमें रेस्ट पे दिखाई दिया, और मून से देखा तो वो हमें ऑब्जर्व किया तो वो चीज़ मोशन में दिखाई दी। अब इसी को जब हम देखते हैं, व्हेन आई एज्यूम अर्थ टू बी एन इनर्शियल रेफरेंस, तो अर्थ को अगर आप इनर्शियल रेफरेंस लेंगे तो जो आपका मून है वो ऑटोमेटिकली नॉन इनर्शियल रेफरेंस बन जाएगा। इट इज़ इन द एक्सेलरेशन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये कंसेप्ट था हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन शॉर्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशन है हमारी अलग हो सकती है और हमारे ऑपोजिट कोई इंसान होगा तो उसकी अलग हो सकती है। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को उनके सिंबल के साथ पढ़ेंगे। हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ अभी तक इस चैप्टर में पढ़ी हैं। मोशन का जब भी नाम आ जाए तो समझ लीजिए कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ से रिलेट करेगा ही करेगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसमें हमारे पास बहुत बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्टिव फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं, उनके सिंबल्स हैं और डायमेंशंस हैं एंड देयर यूनिट्स हैं। 11th के इस चैप्टर में या आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं तो उनमें डायमेंशंस उनकी लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर जब करवाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो उसमें हमने इसे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ में डिस्कस किया था। अब देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, एक टेबल मैंने ड्रॉ करी है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे उनके सिंबल हैं, देन इधर डायमेंशंस और यहाँ पे इसकी यूनिट्स हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो सिंबल और यूनिट्स हमारे लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल जब हमारे पास आता है एग्जाम में तो उसमें हमारे पास सिर्फ यूनिट्स दे रखी होती हैं, सिंबल दे रखा होता है, उससे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो वैल्यू क्या दे रखी है या वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यूनिट्स इस वे में सिंबल्स और यूनिट्स दोनों यूज़फुल हो जाते हैं। और दूसरा यूनिट का जो यूज़ है वो इसमें आता है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सपोज़ आपके पास कैलकुलेशन करते वक्त आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं आता है तो आप लास्ट में यूनिट्स लिखकर आ जाते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का फिलअप छोड़कर, तो भी आपको मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। तो इसलिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल और यूनिट्स आपको लर्न होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात डायमेंशंस की, तो ये हमारे पास सेपरेटली वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। कोई भी आपको एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाती है और उसके बाद में पूछा जाता है कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, वो लिखिए। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे पास, फर्स्ट है पाथ लेंथ, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड इज़ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी के दो टाइप्स है। वन बाय वन देखिए, पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस और पाथ लेंथ दोनों इक्वल होते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हमेशा डेल्टा एक्स होता है। इनकी डायमेंशंस दोनों की सेम होगी, एल ही करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हम इसको लेंथ में मेजर करते हैं और इनकी यूनिट हमेशा मीटर होती है। सेकेंड आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो टाइप्स आते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे एवरेज वेलोसिटी को वी बार से शो करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वी से शो करते हैं। अब जब SI यूनिट की बात करते हैं, इनकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यूनिट्स की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स कि वेलोसिटी की जो यूनिट्स होती हैं वो होती है मीटर पर सेकेंड। वहीं डायमेंशंस इसकी होती हैं LT-1। नाउ नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड में भी हमारे पास सेम दो टाइप्स होते हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ाई थी वेलोसिटी एंड स्पीड तो मैंने आपको बताया था कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, तो इसलिए इनका सिंबल भी क्या होता है, सेम ही होता है। डायमेंशंस भी सेम होती हैं LT-1 और यूनिट्स भी हमेशा सेम ही होती है, मीटर पर सेकेंड
ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन में, और मीटर पर सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पीड के बाद में नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है हमारी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इन दोनों के लिए एवरेज की जब भी बात होती है तो हम हमेशा ऊपर बार लगा देते हैं, और इंस्टेंटेनियस को आप सिंपल ऐसे ही एक्सेलरेशन स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। इसके बाद में इसकी डायमेंशंस की बात करें तो एल टी माइनस टू होती है, और यूनिट्स मीटर पर सेकेंड माइनस टू या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड और वेलोसिटी में जो यूनिट्स होती हैं वो मीटर पर सेकेंड होती हैं, बट एक्सेलरेशन में जो यूनिट्स होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती हैं। अब इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए दो टॉपिक्स कवर करेंगे जो इस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है ग्राफ्स एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो को प्लीज़ देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।